न्यूज वॉल इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। हरिद्वार के ट्रेवल कारोबारियों ने सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और राज्य सरकार से बाहरी गाड़ियों को निर्वाचन प्रक्रिया में लगाने की मांग की है। इस दौरान ट्रेवल कारोबारियों ने आरोप लगाया है कि केयर ऑफ यानी किरायेनामे लगाकर दूसरे प्रदेश के लोग उत्तराखंड में गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं। ये लोग ना तो सही समय पर टैक्स देते हैं और चुनाव आने पर प्रशासन का सहयोग नहीं करते। उन्होंने सरकार से मांग की है कि दूसरे प्रदेश की गाड़ियों को भी लोकसभा की निर्वाचन प्रक्रिया में लगाया जाए। यदि ऐसा नहीं किया गया तो हरिद्वार के ट्रैवल कारोबारी भी निर्वाचन प्रक्रिया में प्रशासन का सहयोग नहीं करेंगे और जरूरत पड़ी तो न्यायालय का सहारा भी लिया जाएगा। तराली विधानसभा के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारायणगढ़ में इकट्ठा होकर विभिन्न जनसमस्याओं को लेकर बाजार में रैली निकालकर प्रदर्शन किया। इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ता जर्जर स्थिति में चल रहा नारायणगढ़ परखाल चौपता मोटर पुल को दुरुस्त करने की मांग पर चक्का जाम करके बैठ गए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपने प्रदर्शन के माध्यम से नारायणगढ़ में प्रशासनिक स्वास्थ्य केंद्र का उच्चीकरण किए जाने, महाविद्यालय में विज्ञान संकाय शुरू किए जाने, नारायणगढ़ परखाल मोटर पुल की मरम्मत करने, तहसील में खाली चल रहा तहसीलदार के पद का नियुक्ति, खांकरखेत कौनपुर गढ़ी को पर्यटक सर्किट घोषित करने की मांग, जोरदार आंदोलन कर आवाज उठाई है। उत्तराखंड जल संस्थान के कर्मचारियों ने राज्य सरकार से अपने विभाग को राजकीय विभाग का दर्जा देने की मांग की है। इस मांग को लेकर हरिद्वार में बड़ी बैठक का आयोजन किया गया जिसमें उत्तराखंड जल संस्थान कर्मचारी संगठन के प्रदेश स्तर के पदाधिकारी भी शामिल हुए। इस दौरान जल संस्थान के टेक्निकल कर्मचारियों ने भी उत्तराखंड जल संस्थान कर्मचारी संगठन को अपना समर्थन दिया। संगठन के पदाधिकारियों ने कहा है कि उत्तराखंड जल संस्थान राज्य का महत्वपूर्ण भाग है लेकिन सरकार के नियमों के कारण उनकी अनदेखी की जा रही है। अन्य प्रदेशों में जल संस्थान को राजकीय विभाग का दर्जा दिया गया है लेकिन उत्तराखंड में उनकी उपेक्षा कर पेयजल की तमाम योजनाएं एडीबी को दी जा रही है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर लोकसभा चुनाव से पहले जल संस्थान को राजकीय विभाग का दर्जा नहीं दिया गया तो चुनाव के बाद बड़ा आंदोलन किया जाएगा कि भाई कृपया हम जल संस्थान और जल निगम के जो कर्मचारी हैं उनका अन्य राज्यों की भांति राजकीयकरण किया जाए। वो जरूरत हमें क्यों पड़ी ये भी मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं। इसलिए पड़ी क्योंकि अधिकतर कार्य जो है निजी संस्थाओं को दिए जा रहे हैं, जल निगम जल संस्थान के एडीबी के माध्यम से दिए जा रहे हैं। यदि एडीबी के माध्यम से ये कार्य दिए जा रहे हैं तो ये बताइए जो जल संस्थान वसूली का काम करता है, संचालन का काम करता है, उनसे तो ये काम छिन जाएगा। उनके कर्मचारियों को वेतन भत्ते पेंशन का कहाँ से मिलेंगे, इसीलिए हमने ये आंदोलन खड़ा किया है। एटक थाना पिलुआ पर राजेश कुमार पुत्र श्री गोविंद दास अजरिया निवासी नायागांव थाना नौगावा जिला छतरपुर द्वारा थाना पिलुआ पर तहरीर दी गई। उसी क्रम में इंटेलिजेंस विंग और सर्विलांस टीम द्वारा मुंगी की सूचना पर चार छात्र अभियुक्तों को नगरिया मोड़ के पास NH-34 ओवरब्रिज के नीचे से गिरफ्तार किया गया। एक अभियुक्त मौके से फरार हो गया। इनके कब्जे से मौके से एक ट्रक जिसमें चोरी किए गए चार टायर लगे हुए थे, घटना में इस्तेमाल एक स्कॉर्पियो गाड़ी जिसमें डिग्गी में चोरी किया गया टायर रखा हुआ था, चार मोबाइल फोन, दो तमंचे, जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। फरार अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए कोशिश की जा रही है। घटना के संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक धनंजय कुशवाहा ने मीडिया को जानकारी दी कि यह संगठित गिरोह है। ये ढाबों और जीटी रोड तथा सुनसान जगहों पर खड़े वाहनों से टायर और डीजल चोरी कर लेते हैं। संदर्भ में अभियुक्त से पूछताछ भी की जा रही है। जीटी रोड पर खड़े ट्रकों से टायर और डीजल चोरी करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया गया है, क्या है ये पूरा मामला? 21 फरवरी को नौगांव छतरपुर जिले से MP के वहाँ के एक ड्राइवर के ट्रक से जो जीटी रोड पे कुटिया के पास खड़ा था उससे डीजल चोरी और उसके टायर खोल लिए गए थे एक गैंग द्वारा। उसके संबंध में थाना पिलुआ और इंटेलिजेंस विंग द्वारा प्रभावी कार्रवाई करते हुए आज चार अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और इनके कब्जे से वो ट्रक। बस जिले के दुबोलिया थाना क्षेत्र के खदरा गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब गांव के सिवान में कटहल के पेड़ से युवती का शव फंदे से लटका मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे से लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आपको बता दें कि गांव के रामफेर खेत में पानी चलाने के लिए सिवान में गए थे। उन्होंने गाँव के बिंदु नाम की युवती का शव देखा जिसके बाद उन्होंने इसकी सूचना मृतक के घर वालों और गाँव वालों को दी। परिजनों ने पहुंचकर शव को पेड़ से नीचे उतारा। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अभी तक घटना के बारे में खुलासा नहीं हो पाया है कि आखिर किन कारणों से युवती ने खुदकुशी की है। जानकारी के संबंध में ये दुखद घटना की सूचना प्राप्त हुई है। असामयिक निधन है, मृत्यु का कारण स्पष्ट करना अत्यंत आवश्यक है। इस कारण से नियमानुसार इसमें पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। कारण स्पष्ट हो लेने दीजिए, जांच होगी, जांच के उपरांत जो भी दोषी होगा, जो भी चीजें निकल के आएंगी, तद अनुसार आवश्यक कार्रवाई। सर जानकारी अभी मिली कि पुलिस के पहुंचने से पहले परिजनों ने शव को उतार लिया था, सूचना नहीं दी गई थी पुलिस को, ग्रामीणों द्वारा दी गई। देखिए परिस्थितियां कई होती हैं, कई बार लोगों को ये लगता है कि हो सकता है। झांसी मऊरानीपुर नगर पालिका अध्यक्ष
आयुष शशि प्रभार श्रीवास ने पार्षदों द्वारा 7 महीने के मांगे गए हिसाब को लेकर उठे विवाद को लेकर पार्षदों को पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष के परिवार से पीड़ित बताया। मऊरानीपुर नगर पालिका अध्यक्ष आयुष शशि प्रभार निवास ने पत्रवार्ता में कहा है कि नगर पालिका के कुछ पार्षद 7 महीने में हिसाब मांगने लगे और पार्षद पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष के परिवार से प्रेरित होकर नगर का विकास रोकना चाहते हैं। उन्होंने कुछ पार्षदों पर भी जुआ सट्टा खिलाकर संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया है। इनका था उसके ऊपर दुकानें बनाई है, हम लोगों ने उसकी खुली नीलामी की, हमने दुकानें कभी किसी अपने लोगों को नहीं बांटी। हमने अभी नजई बाजार में दुकानें बनाई थी नगर पालिका की आय में वृद्धि के लिए, तब हम लोगों ने दुकानें बनाई, तब भी हम लोगों ने खुले नीलामी की है उसमें, और सारी चीज़ें मेला हमने जल विहार का किया तो उसमें भी हमने लॉटरी सिस्टम से दुकानें आवंटन की थी व्यापारियों को। तो इन्हीं सब चीज़ों में किसी किसी को समस्या होती है और अपना विरोध करते हैं, लेकिन कोई समस्या नहीं हमारे, हम लोग अपना बिल्कुल पारदर्शिता में काम करेंगे और कर रहे हैं, जिसको समस्या होगी तो बात करेगा। पूर्व विधायक ने जो इस तरह के ब्याज मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का आयोजन कानपुर के सरसौल ब्लॉक में किया गया, जिसमें 107 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया। साथ ही मुख्यमंत्री राहत कोष योजना से प्रेरित जोड़ों को 51,000 का अनुदान दिया गया। सभी जोड़े शादी होने से काफी खुश नजर आए। ब्लॉक प्रमुख विजय रत्नाकर ने बताया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशन पर सबका साथ सबका विकास के तहत सरसौल ब्लॉक से 57 जोड़े और भीतर गाँव से 50 जोड़े मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत विवाह संपन्न हुआ। इसमें 6 जोड़े मुस्लिम समाज के जोड़ों का विधि विधान से सामूहिक विवाह संपन्न कराया गया। मुख्यमंत्री राहत कोष से लड़की के अकाउंट में 35,000 और लड़के के अकाउंट में 10,000 रुपए और 6,000 जरूरत के सामान के लिए आए, जिससे वो अपने वैवाहिक जीवन सुख समृद्धि से व्यतीत कर सके। पिछले दिनों हुई भारी बारिश और जोरदार ओलावृष्टि की वजह से झांसी जिले के अनेक ग्रामों में फसलों को पहुंचे भारी नुकसान को लेकर उत्तर प्रदेश किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शिव नारायण सिंह परिहार के नेतृत्व में सैकड़ों किसानों ने तहसील परिसर में धरना धरना प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री को संबोधित हस्ताक्षर युक्त 3 सूत्रीय मांगों के संबंध में ज्ञापन उपजिलाधिकारी को दिया है। ज्ञापन में बताया गया है कि जोरदार बारिश और ओलावृष्टि की वजह से फसलों को झांसी जिले में नहीं पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र में नुकसान पहुंचा है, जिसके कारण किसान सदमे में है, उसे अब सरकारी मदद का आसरा है। ऐसी विषम स्थिति में केंद्र प्रदेश सरकार को युद्ध स्तर पर प्लॉट टू प्लॉट खेतों के सर्वे कराकर मुआवजा देना चाहिए। किन समस्याओं को किन मांगों को लेकर आए हैं? ग्राम बड़ा गांव मऊरानीपुर जिला झांसी से है, तहसील मऊरानी प्रांगण में इस समय भी हम लोग खड़े हैं किसान। हम लोग किसान इसलिए कि हम लोगों का बीमा काट लिया जाता है, क्लेम केसीसी अगर किसान का हो तो बीमा कट जाता है, तो हम लोगों का केसीसी बीमा क्लेम तुरंत दिलाया जाए, और जो भी चाहे छोटा किसान हो चाहे बड़ा, जो भी उसका कर्ज हो सरकारी केसीसी हो या लोन, सब किसानों का कर्जा तत्काल मोदी जी योगी जी तुरंत तत्काल इसको कार्रवाई करके तुरंत इसको माफ कराया जाए, क्योंकि किसानों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं। बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा के प्रतिनिधि मंडल ने उत्तर प्रदेश के पूर्व डायरेक्टर जनरल पुलिस सुलखान सिंह से झांसी सर्किट हाउस में बुंदेलखंड पृथक राज्य निर्माण के लिए अटल बिहारी वाजपेयी के कथानुसार जब बुंदेलखंड संगठन राष्ट्रीय दल के सिटिंग सांसदों को हराने की क्षमता पैदा कर लेंगे, उसी दिन सारे राष्ट्रीय दल बुंदेलखंड राज्य निर्माण को अपने एजेंडे में शामिल कर लेंगे। चुनाव में बुंदेलखंड की 9 संसदीय सीटों पर चुनाव में बुंदेलखंड की आवाज उठाने वाले हमीरपुर महोबा सांसद प्रिय सिंह संदेल को छोड़कर शेष 8 निवर्तमान सांसदों को हराकर पृथक बुंदेलखंड राज्य निर्माण की आवाज उठाने वाले सांसद प्रत्याशी को विजय दिलाए। इस समय मोर्चा ने संपूर्ण बुंदेलखंड में भगवान रामराज सरकार ओरछा धाम के मंदिर में पूजा अर्चना उपरांत अभिमंत्रित कलावा प्रत्येक बुंदेलखंडी मतदाता की कलाई में बांधा है। का गठन जो इसे शुरू किया है मैंने, इस उद्देश्य से कि अलग बुंदेलखंड राज्य का गठन किया जाए और इस बात के लिए सरकार को प्रेशर इतना पैदा किया जाए कि वो अलग बुंदेलखंड राज्य गठन करे। इसी सिलसिले में मैं कल परसों जालौन उस क्षेत्र में था, आज रात में आया था यहाँ झांसी, उसी संबंध में हम लोगों से मेल मुलाकात कर रहे हैं। बीजेपी के भी इलेक्टेड MPs MLAs पूर्व MPs MLAs जो भी जनप्रतिनिधि हैं फिलहाल उनसे भी हम कह रहे हैं। कानपुर में मुस्लिम त्यौहार को लेकर एक बैठक आयोजित किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि रमजान की कद्र और करें एहतराम। हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। मुस्लिम समुदाय रमजान के महीने को परम पवित्र मानता है। इस महीने की विशेषताएं महीने भर के रोजे रखना, रात में तरावी की नमाज पढ़ना, कुरान तिलावत करना, इत्तेफाक बैठाना और गांव लोग कल्याण के लिए अल्लाह से दुआ करते हुए मौन व्रत रखना, जकात देना और दान करने वाला महीना माना जाता है। लेकिन रमजान के महीने में बहुत से लोग गलतियां भी करते हैं। रमजान की कद्र इसका एहतराम कैसे करना चाहिए, इसको लेकर कुछ हिंद इस्लामिक इल्मी अकादमी ने शरिया हेल्पलाइन नंबर जारी करते हुए कुल हिंद इस्लामिक इल्मी अकादमी के मुफ्तियों ने आवाम से अपील की है कि हेल्पलाइन नंबर पर रमजान से जुड़ी सभी जानकारी ले सकते हैं।
ये हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस इस मकसद के लिए है कि हमारा मुकद्दस महीना रमजानुल मुबारक अनकरीब शुरू होने वाला है। 11 मार्च को पीर के दिन, सोमवार के दिन चांद देखा जाएगा और पूरी उम्मीद है, 100% उम्मीद है कि उसी दिन चांद नजर आएगा और तरावी हमारी चालू हो जाएगी और फिर 12 मार्च मंगल से हमारे रोजे चालू हो जाएंगे। तो ऐसी सूरत में, क्योंकि ये 11 महीने से हटकर ये महीना होता है। ललितपुर सुपरमार्केट में जीएसटी आला अधिकारियों ने लगाया जीएसटी पंजीयन कैंप। कैंप के माध्यम से ललितपुर के व्यापारियों को किया जागरूक, जिससे कि हर कोई ज्यादा से ज्यादा जीएसटी का पंजीकरण जीएसटी कैंप में, जहां पर जीएसटी डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर, वाणिज्य कर अधिकारी सहित अधिवक्ता, व्यापारी नेता मौजूद रहे। वहीं डिप्टी जीएसटी कमिश्नर दिनेश कुमार ने ललितपुर के व्यापारियों से योजनाओं का लाभ लेने के लिए ज्यादा से ज्यादा जुड़ने की अपील भी की है। झांसी में महाशिवरात्रि पर्व पर विशाल और भव्य शिव बारात का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि महाशिवरात्रि पर्व पर शिव बारात का आयोजन साल 2007 से निरंतर किया जा रहा है। यह 18वां वर्ष है। 8 मार्च को सुबह 10 बजे भव्य शिव बारात मुरली मनोहर मंदिर बड़ा बाजार झांसी से प्रारंभ होकर बड़ा बाजार, मालिन चौराहा, जवाहर चौक, मानिक चौक, सिंधी चौक, रानी महल, मिनरवा चौक, सैयर घाट होते हुए मड़िया महादेव मंदिर के लिए प्रस्थान करेगी। सर्वे के लिए हम मंदिर नहीं जाते। सर्वे तो लोग, जब कथन लोगों का होता है और लिखा पढ़ी हमारी होती है। तो अभी पीछे सुभाषगंज के दो मंदिरों की चर्चा 10 दिन पहले ही हुई। रायबरेली में रोडवेज बस चालक के नशे में धुत होकर बस चलाने पर यात्रियों ने हंगामा किया। बस यात्रियों की सूचना पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी हुई है। मामला गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत बदई के पुरवा गांव के पास का है, जहां किदवई नगर डिपो की सवारियों से भरी बस को ड्राइवर नशे धुत होकर चला रहा था और बस चालक पूरी बस को सड़क पर लहराते हुए बस चलाने से यात्रियों को ड्राइवर के ऊपर कुछ शक हुआ। जब नजदीक जाकर देखा तो ड्राइवर से गलत ढंग से गाड़ी चलाने के लिए रोका तो देखा कि ड्राइवर शराब के नशे में धुत था, जिस पर यात्री ने हंगामा शुरू कर दिया और पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने नशे में धुत बस चालक से पूछताछ की है। कंडक्टर हैं, क्या मामला हो गया? अरे उसने दारू पी ली थी चालक ने, तो हमने यारिम साहब को इन्फॉर्म कर दिया है। पहले पुलिस बुला ली थी। अच्छा तो हमने कौन पुलिस बुलाया? पैसेंजर ने बुलाया। गाड़ी नंबर क्या? 2144। फरुखाबाद में महाशिवरात्रि के पर्व को देखते हुए डीएमएसपी ने श्रृंगी रामपुर मेले की तैयारी का जायजा लिया, आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। महाशिवरात्रि के पर्व को देखते हुए जिलाधिकारी डॉ. वीके सिंह और पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने श्रृंगी ऋषि की तपोस्थली श्रृंगी रामपुर में लगने वाले मेले का स्थलीय निरीक्षण किया। जिलाधिकारी डॉ. वीके सिंह ने मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या, उनको होने वाली समस्याओं के बारे में जानकारी भी ली है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।